दो टाइप्स, कौन से दो टाइप? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ पर दो वर्ड है, एक वर्ड दिया हुआ है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड कौन सा दिया है? स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? स्टेशनरी। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? स्टेशनरी। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस रेस्ट कंडीशन में होंगे एंड दिस रेस्ट कंडीशन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा दिया हुआ है? कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट कूलम्ब। इन्होंने दिया था साइंटिस्ट कूलम्ब। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज फर्स्ट रिलेशन इज दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज द सेकेंड रिलेशन, inversely proportional to the square of the distance between them. How many relations are there? Two relations. First relation is the directly proportional. Second is the inversely proportional. अब force of attraction किस प्रकार से? तो अगर एक positive और एक negative है, तो force of attraction और दोनों positive या दोनों negative है, तो force of inversion. That means this Coulomb's force. This force is also called as the Coulomb's force. This Coulomb's force of two types, attractive as well as the repulsive in nature. वो attractive nature का भी हो सकता है, repulsive nature का भी हो सकता है. Attractive कब बताया? जब एक positive और एक negative. Repulsive कब बताया? जब दोनों positive या तो दोनों negative. ठीक है? Now, according कितने relation आ रहे? दो relation. Now in this case. We have to consider first point charge denoted by Q1 and second point charge denoted by Q2, and these two charges are separated by the distance r. ये दोनों के बीच में distance कितना है? r. ठीक है? Now according to statement, there is first relation called as the directly proportional and second relation called as the inversely proportional. So according to statement, the force called as Coulomb's force is directly proportional to product of two charges, that means Q1 Q2, and second relation is that inversely proportional. So F is inversely proportional to R square. मतलब यहाँ पर relation किस प्रकार से दिया हुआ है? Square. किसका square दिया हुआ है? Distance between them. मतलब two charges M1 and Q2. दोनों के बीच में डिस्टेंस आर। सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए इसको कंबाइन करना पड़ेगा, तो कंबाइन करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 आर स्क्वायर। जब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो आपको कौन सा साइन लेना पड़ेगा? इक्वालिटी साइन। कौन सा साइन होगा? इक्वालिटी साइन। और यहाँ पर लेना पड़ेगा एक कांस्टेंट और इक्वेशन बनेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर दिस C इज कॉल्ड एज, क्या कहा जाएगा इसको? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या कहेंगे इसको? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का भी एक फार्मूला बनेगा एंड दिस फार्मूला इज वेयर C इज इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0। सर व्हाट इज मीन बाय ε0? ε0 इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ एयर। यहाँ पर जीरो दिया हुआ है, सो इट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ एयर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता, जहां मीडियम नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम, या फिर उसको कंसिडर टू बी एयर भी लिया जा सकता है। इसीलिए
इप्सिलॉन जीरो जिसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं परमिटिविटी, वो एयर के लिए भी रहेगा, वैक्यूम के लिए भी रहेगा, फ्री स्पेस के लिए। The value of this epsilon zero is epsilon zero equal to 8.85 into 10 raised to power minus 12. Value होता है इसका 8.85 into 10 raised to power minus 12. What is the unit of this epsilon zero? तो epsilon zero का अगर unit बनाना है, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर force के formula में c का value put up कर देंगे। तो आपको यहाँ पर मिलेगा this force F is equal to c के जगह पर क्या जाएगा? 1 upon 4 pi epsilon 0 और यहाँ पर आ जाएगा आपका q1 q2 upon r square and this is the formula for the Coulomb's force between two point charges. This is the formula for Coulomb's force. Coulomb's force between two point charges. This Coulomb's force is also called as the electrostatic force. Why it is called as the electrostatic force? Because in this case, these two charges are at the rest. मतलब यहाँ पर वो stationary condition में है. और दोनों stationary condition में होने के कारण इस Coulomb's force को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।